हाल ही में चाइना ने अपना नया ऑफिशियल स्टैंडर्ड मैप रिलीज किया, जिसमें उसने नई टेरिटोरियल क्लेम्स किए। इस बेसलेस मैप में चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और अवैध रूप से कब्जाए गए अक्साई चिन रीजन को अपना बताने की कोशिश की। साथ ही ताइवान और विवादास्पद साउथ चाइना सी को भी इस मैप में चाइना का हिस्सा दिखाया गया है। और तो और, चाइना ने अपनी कुख्यात 9 डैश लाइन से एक कदम आगे बढ़कर इस मैप में 10 डैश लाइन दिखाई है और साउथ चाइना सी के लगभग 90% हिस्से को अपना बताया है, यानी एक साथ कई देशों की संप्रभुता को चुनौती दी है। चाइना इससे पहले भी 1948 में इसी प्रकार का नक्शा प्रकाशित कर चुका है। चाइना के इन एक्शन से हमें उसकी विस्तारवादी प्रवृत्ति का पता चलता है। देखिए, मनुष्य एक आक्रामक प्रजाति है। युद्ध और हिंसा से भरा हुआ हमारा लंबा इतिहास इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य का प्रमाण है। विवाद और संघर्ष हमारे इतिहास का हिस्सा रहे हैं और वर्तमान में भी बने हुए हैं। आज की तारीख में पूरी दुनिया जानती है कि चाइना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन एक विस्तारवादी राष्ट्र है। चाइना का भारत, जापान, वियतनाम, भूटान, फिलीपींस और यहाँ तक कि रशिया जैसे कई देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। लेकिन सवाल उठता है, आमतौर पर देशों को और विशेषकर चाइना को विस्तार की इतनी इच्छा क्यों है? मुख्यतः क्योंकि अधिक क्षेत्र का मतलब अधिक संसाधन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया अपने विशाल क्षेत्र और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के दम पर ही जर्मन इन्वेजन को रेजिस्ट कर पाया था। आज भूमि और संसाधनों की होड़ इसलिए लगी हुई है क्योंकि तेल, गैस, मिनरल्स और पानी जैसे संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है। साथ ही बड़ा क्षेत्र होने से देश का प्रभाव दुनिया में बढ़ता है। इस प्रभाव का उपयोग अपने हितों की रक्षा करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी अन्य देश उलझने से पहले कई बार सोचे। खैर, अभी चाइना के वर्तमान दुस्साहस पर लौटते हैं। भारत और चाइना के बीच मुख्य रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 3 वर्षों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। चाइना वहां पर तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस इस बात की पुष्टि करती हैं कि चाइना अपने सैन्य उपकरणों की सुरक्षा के लिए अवैध रूप से कब्जाए गए अक्साई चिन क्षेत्र में बंकर्स और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का निर्माण कर रहा है। भारत ने चाइना के हास्यास्पद क्षेत्रीय दावों को हल्के में नहीं लिया है और कड़ा विरोध जताया है। विरोध करने में भारत अकेला नहीं है। फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया और वियतनाम ने भी चाइना के बेतुके दावों को खारिज कर दिया है। इसी बीच चाइना अपने पुराने तर्क पर कायम है कि उसके दावे उसके ऐतिहासिक मैप्स पर आधारित हैं। अभी कुछ समय पहले ही चाइना ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की 11 जगहों के नाम बदलने की कोशिश की थी। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। हालांकि यह अलग मुद्दा है कि तिब्बत के ऊपर खुद चाइना ने 1950 से जबरन कब्जा कर रखा है। वैसे भी भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। किसी भी तरह के निराधार दावे इस तथ्य को बदल नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, चाइना की हास्यास्पद हरकत को भी देखिए। 2019 में जब भारतीय राज्य जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, तब चाइना ने भारत के मैप पर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को दिखाए जाने का कड़ा विरोध किया था। अच्छा, यह तब है जब मैप में केवल भारत की इंटरनल बॉर्डर्स चेंज हुई थी, एक्सटर्नल बॉर्डर्स नहीं। और जब अब चाइना के इस सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मैप द्वारा एक्सटर्नल बॉर्डर्स को चेंज करने की कोशिश की गई और जब इस आधारहीन हरकत का कई देशों ने विरोध किया, तब चाइना ने उन्हें शांत रहने और अधिक व्याख्या न करने के लिए कहा। इससे हम चाइना की संदिग्ध मानसिकता के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। प्रश्न उठता है कि चाइना अभी ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, सीधी बात है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी देश की गंभीर आर्थिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है, क्योंकि पार्टी आर्थिक संकट को सुलझाने में पूरी तरह से असमर्थ है।
इसलिए राष्ट्रीय गौरव और एकता को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कर जनता का ध्यान भटकाकर पार्टी की खराब नीतियों को सही ठहराया जा सकता है। इन सब के चलते अन्य देशों के साथ विवाद पैदा किया जा रहा है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पर संकट मंडरा रहा हो तो नेता सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने जैसी रणनीतियों का सहारा लेते हैं। हालांकि इस तरह के कदम जोखिम भरे हो सकते हैं और संभावित रूप से नए संघर्षों को जन्म दे सकते हैं, और वर्तमान में चाइना संघर्षों को संभालने की स्थिति में नहीं है। चाइना पहले ही आर्थिक मंदी और बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो चाइना अभी युद्ध करने की स्थिति में है ही नहीं। चाइना की सेना उतनी मजबूत नहीं है जितना कि अक्सर दिखाया जाता है। यह बिल्कुल अनुभवहीन है। चाइना ने दशकों से कोई भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। इसका आखिरी बड़ा युद्ध 1979 में वियतनाम के विरुद्ध था, जिसे चाइना जीत नहीं सका था। चाइना वियतनामी सरकार को उखाड़ फेंकने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका था और वियतनाम अपने क्षेत्र की रक्षा करते हुए स्वतंत्र रहने में कामयाब रहा था। इस बात को याद रखते हुए चाइना छोटी मोटी झड़पों और सीमा विवादों तक ही सीमित रहता है और एक फुल स्केल वॉर करने से बचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना अपने संसाधनों को अर्थव्यवस्था से हटाकर युद्ध में नहीं झोंकना चाहता है। साथ ही चाइना जानता है कि यह 1962 नहीं है। उस समय चाइना की जीत का कारण था तब की भारतीय सरकार की रणनीतिक गलतियां, जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, हवाई समर्थन की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और यूनिफाइड कमांड की कमी। अब 2023 में चीजें काफी बदल चुकी हैं। भारतीय सेना बैटल हार्डन्ड है और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने में अनुभवी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 युद्ध जीते हैं, जिसमें से सबसे रीसेंट 1999 में जीता था। भारतीय सैनिक माउंटेन वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं। उन्हें कठोर पहाड़ी वातावरण में सर्वाइव करने, विशेष गियर का उपयोग करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन इलाकों में लड़ाई जीतने की कला में महारत हासिल है। आज भारत की आर्म्ड फोर्सेस आधुनिक हथियारों और उपकरणों से सुसज्जित हैं। इसलिए यदि चाइना भारत के साथ संघर्ष शुरू करने की गलती करता है तो उसे आइसोलेशन और हार का सामना करना पड़ेगा। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती हैं। बेतुके दावे करना चाइना की पुरानी आदत है। एक तरफ तो चाइना ब्रिक्स समिट में सीमा विवाद सुलझाने की बातें करता है, वहीं दूसरी ओर G20 समिट से ठीक पहले नए क्षेत्रीय दावे कर देता है। चाइना की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से रिस्पॉन्सिबल रहने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने और अपने दायित्वों पर कायम रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चाइना को अवैध भूमि और समुद्री दावे करने की पुरानी बीमारी है। हालांकि अन्य देशों की टेरिटरी को अपना कहबर देने से जमीनी स्तर पर वस्तुगत वास्तविकताएं नहीं बदलती हैं।